हेलो स्टूडेंट, तो ये वीडियो सेशन क्लास 8 के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग चैप्टर 19 डेटा हैंडलिंग पढ़ेंगे। चलिए तो समझते हैं ये डेटा का मतलब क्या होता है। डेटा का मतलब होता है किसी भी क्वेश्चंस में दिए गए बहुत सारे जो नंबर होते हैं, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ जो दी गई होती है, फिगर एंड फैक्ट्स जो दिए गए होते हैं, उन्हें हम डेटा कहते हैं। अब इस डेटा को हम लोग अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। लोअर क्लास में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, जिसमें हम लोग डेटा के रिप्रेजेंटेशन को समझा था, किसमें, बार चार्ट में, ठीक है, कॉलम बनाए थे ग्राफ के, ठीक है, पाई ग्राफ बनाया था, लाइन ग्राफ बनाया था, यानी अलग अलग तरीके से हम लोगों ने डेटा को अरेंज किया था, रिप्रेजेंट किया था, हैंडल किया था, ठीक है। जितने भी डेटा दिए गए थे उनको टेबुलर फॉर्म में बनाया था, उसको ऑर्गेनाइज किया है ना, वो हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग और भी इसका टफर प्रॉब्लम और भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ यहाँ पर बेसिक टर्म है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर फिगर ऑकर इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए ये सपोज दैट यहाँ पर एक डेटा है, बहुत सारे डेटा दिए गए हैं। इस डेटा में कोई भी ऐसा नंबर जो बार बार आ रहा है ना, बार बार ऑकर हो रहा है, कितनी बार वो रिपीट कर रहा है, वो नंबर्स ही फ्रीक्वेंसी है ना। कोई भी नंबर जितनी बार रिपीट कर रहा है, कितनी बार रिपीट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग ये चेक करते हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। चलिए अब बात करते हैं रेंज का। रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डेटा इज नॉन एज द रेंज। मतलब किसी डेटा में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है, यानी इस डेटा को देखिए तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है, 6, और सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या दिख रहा है, 1। इन दोनों का डिफरेंस मतलब इन दोनों का माइनस, ठीक है, यानी 6 - 1 इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, 5। तो 5 इस डेटा का क्या होगा, रेंज होगा, ठीक है। कुछ और भी बेसिक टर्म है, कुछ और भी बेसिक टर्म है जो कि चैप्टर को सॉल्व करते करते हम लोग को और भी सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये देखिए यह हमारा एक्सरसाइज 19A है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर इन ए फैक्ट्री, ठीक है, रुपीज़ दी गई है, ठीक है, यानी वीकली वेजेस दिया जा रहा है 30 वर्कर को, ठीक है। मान लीजिए ये पहला वर्कर है जिसको 1020 रुपीज़ दी गई, दूसरे जो वर्कर उसको 1000 रुपीज़ दी गई, ठीक है, किसी वीक में, ठीक है, वीकली वेजेस है, यानी एक वीक में इस 30 वर्कर को कितने रुपए मिलते हैं उस फैक्ट्री में काम करने का, उनका यहाँ पर डेटा गिवन है ना। और इस आधार पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द एबव डेटा, यानी हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो कि हम लोगों ने लोअर क्लास में ही पढ़ा है, वो हम लोगों को सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्कर अर्न लेस देन ₹1700 और मोर, ठीक है, हमें बताना है कितने ऐसे वर्कर हैं जो 1700 से कम और 1700 से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वर्कर अर्न लेस देन 1450, हमें बताना है कितने ऐसे वर्कर हैं जो ₹1450 से लेस अर्न करते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन है, विच ग्रुप कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, और हमें ये भी पता करना है कि किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा वर्कर हैं जिनको पैसा इक्वली मिलता है, ठीक है। तो चेक करिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये देखिए इसका सॉल्यूशन है, ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, पहले वीकली वेजेस का एक कॉलम बना लिया, टैली मार्क का एक कॉलम बना लिया और फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बना लिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, मतलब 200 का डिफरेंस ले लिया, ठीक है, ये 200 का डिफरेंस ले लिया, ठीक है, हम लोगों ने क्लास इंटरवल बना लिया, ठीक है। अब जो भी ये ₹1000 से 1200 के बीच में जितने लोग भी वर्कर आते हैं, मैं उनका क्या बना लिया, टैली मार्क बना लिया। जैसे यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए 1000, यहाँ पर देखिए 1000 से 1200 के बीच में कितने ऐसे वर्कर हैं जिनको वीकली वेजेस 1000 से लेकर 1200 मिलता है। यहाँ पर देखिए 1200 यहाँ भी है, 1200 यहाँ भी है, ठीक है। तो अगर किसी भी वर्कर का 1200
वो वेजेस होगा, तो हम लोग इस वाले डेटा यानी इस ग्रुप में हम लोग उसको ऐड नहीं करेंगे, हम लोग इस ग्रुप में ऐड करेंगे। यानी यहाँ पर 1200 तो दिया है लेकिन 1200 से थोड़ा कम लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 1200 से 1400 है, तो हम लोग जब वर्कर के वेजेस को चेक करेंगे तो 1200 से लेकर 1300 तक वाले को इस ग्रुप में डालेंगे। अब 14 वाले 1400 वाले को इस ग्रुप में नहीं, हम लोग इस ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। यानी ये जो लास्ट वाला दिया है इससे हम लोग कुछ कम ले वैल्यू लेते हैं, और यहाँ स्टार्टिंग से ही हम लोग वैल्यू लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम है। तो अगर 1400 किसी वेजेस किसी वर्कर ने कमाया है तो हम लोग अगर इस ग्रुप में भी देते हैं टेलीमार्क और इसे भी काउंट कर लेते हैं तो उसकी तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, है ना, तो हमारा क्वेश्चन एरर हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस वैल्यू में जितनी भी वैल्यू दी गई होती है उससे थोड़ा हम लोग कम वैल्यू लेते हैं। यानी पहला ग्रुप देखिए 1000 से 100, 1200 है ना, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू यानी 1200 से थोड़ा कम ही वैल्यू को हम लोग देखेंगे। तो ऐसे कितने वर्कर हैं, 7 वर्कर। देखिए यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 6, ये रहा 7, ये 7 है। हम इस 1200 को काउंट नहीं कर सकते और इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये दूसरे वाले ग्रुप में जाएगा। तो इस तरीके से आप टेलीमार्क बना सकते हो। तो ऐसे टेलीमार्क बनाओगे तो टेलीमार्क जितना बनता है कैसे, 1 2 3 4 और 5 के लिए हम लोग इस तरह से क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 था फिर 1 2, ठीक है, 5, 5 जब आएगा काउंट तो आप इस तरीके से क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, तो पहला जो सॉल्यूशन है वो हम लोग बना लिए क्योंकि उसमें क्या बोला गया था, उसमें बोला गया था ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया, ठीक है। अब देखिए सेकंड में हमसे पूछा गया था, सेकंड में पूछा गया था कि हाउ मेनी वर्कर अर्न लेस रुपीज 1700 और मोर, मतलब कितने ऐसे वर्कर हैं जो 1700 से कम कमाते हैं और 1700 से ज़्यादा भी कमाते हैं, उन दोनों की वैल्यू बतानी गई थी। तो देखिए 17 वर्कर अर्न लेस देन 1700 और 11 वर्कर अर्न मोर देन 1700, मतलब 17 वर्कर ऐसे हैं जो 1700 से कम कमाते हैं और 11 वर्कर ऐसे हैं जो 1700 से ज़्यादा कमाते हैं। तो यहाँ से आप गिन भी सकते हैं, है ना, 1700 से कम ये भी है 2, ठीक है, 3 4 5, जितने भी 1700 से कम है पहले उसको काउंट कर लेंगे तो कुल कितने आ जाएंगे 17, और फिर हमें 1700 से अबव यानी इस दोनों को काउंट करना होगा, फिर इसे काउंट करना है, इसे काउंट करना है, तो वो कितने आएंगे 11, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने ऐसे वर्कर हैं जो 1450 से कम अर्न करते हैं, तो 11 वर्कर ऐसे हैं जो 1450 से कम जो वीकली मनी है उनका जो सैलरी है वो अर्न करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जो सेम वेजेस अर्न करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट कहाँ है, ये दोनों ग्रुप में यानी ये पहला वाले में 1000 से लेकर 1200, ये देखिए, और दूसरा देखिए 1400 से 1600, ये दोनों ही क्लास इंटरवल के ग्रुप में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एकदम सेम टू सेम यही है। देखिए पहले आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, फिर उसमें बताना है क्लास मार्क क्या होगा, ठीक है, फिर आपको मैक्सिमम वेट बताना है, इसमें सबसे ज़्यादा वेट किसका है, ठीक है, कौन से क्लास का है, ठीक है, और फिर लोअर लिमिट बताना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे भी हैं, ये देखिए क्लास साइज अपर लिमिट है ना, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ, ठीक है, फिर भी अगर किसी तरह का डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, द रेनफॉल इन मिलीमीटर ऑफ 40 डेज ऑफ ए सिटी आर गिवन, मतलब किसी सिटी में जो बारिश होता है वो 40 दिन में कितना होता है मिलीमीटर में वो बताया गया है। तो यहाँ पर 40 डेज का जो रेनफॉल हुआ है उसकी डेटा दी गई है, और इससे हमें क्या करना है, पहले तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, फिर हमें क्लास साइज बताना है कि इसमें हम लोग कौन सा क्लास साइज लिए हैं, फिर हमें बताना है अपर क्लास लिमिट ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल, थर्ड क्लास का क्या अपर लिमिट है वो बताना है, फिर हमें क्लास मार्क निकालना है थर्ड और फोर्थ का, ठीक है,
थर्ड और फोर्थ क्लास इंटरवल का, और लास्ट में बताना है कि कौन से क्लास में सबसे मैक्सिमम रेनफॉल हुआ है। तो देखिए सब में क्लास मार्क, लोअर लिमिट, अपर लिमिट दी गई है, तो इस क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको सारा बता दूंगा। तो ये देखिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये देखिए पहले तो मैंने रेनफॉल ले लिया यहाँ पर, पहला कॉलम रेनफॉल, उसके बाद पेरीमार्क, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। तो मैंने जो क्लास मार्क लिया है, ठीक है, ये पहला जो ग्रुप लिया है वो 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50 और 50 से लेकर 60 तक बना लिया। तो जो क्वेश्चन में जितने भी डेटा दिए गए थे 10 से लेकर 20, 20 नहीं, 20 से थोड़ा कम यानी 19, जितने भी डेटा दिए गए थे उनको मैंने पहले में कलेक्ट कर लिया। तो कुल कितने थे, 12। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 ऐसे डेटा दिए गए हैं जिसमें रेनफॉल 10 मिलीमीटर से लेकर 20 से कम यानी 19 मिलीमीटर तक हुआ है। उसी तरह इस ग्रुप से पता चल रहा है कि 20 मिलीमीटर से लेकर 29 मतलब 30 से कम, क्योंकि 13 दोनों में है ना, इसलिए डबल काउंट ना हो जाए इसलिए हम लोग 30 से कम लेते हैं। 30 अगर आ रहा है तो यहाँ पर काउंट होगा वो 30, तो 29 तक की जो वैल्यू है वो कितने हैं, 9, ठीक है। तो यहाँ पर 9 टैली मार्क है। उसी तरह 8 10 और 1, इन सबको ऐड किए तो आ गया 40। अब हमसे पूछ रहा है क्लास साइज, ठीक है, क्लास साइज क्या है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्लास साइज कहते हैं, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे क्लास साइज कहते हैं। तो देखिए 10 और 20 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का, तो ये हो गया 10, ठीक है। अपर क्लास लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास इंटरवल, तो देखिए इस पहले वाले को हम लोग दोनों मिला करके बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा पहला क्लास इंटरवल है, ये दूसरा क्लास इंटरवल है, ये तीसरा क्लास इंटरवल है, ये चौथा क्लास इंटरवल है और ये पांचवा क्लास इंटरवल है। हमसे पूछा जा रहा है अपर क्लास लिमिट, वो भी थर्ड क्लास का, थर्ड क्लास इंटरवल। तो देखिए ये पहला क्लास इंटरवल, ये दूसरा क्लास इंटरवल, ये तीसरा क्लास इंटरवल, यानी इनका अब हमें बताना है अपर लिमिट। तो ये वाला जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं और ये जो छोटा नंबर है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, या जो इन दोनों में लेफ्ट साइड होगा उसको हम लोग लोअर लिमिट बोलेंगे, जो राइट साइड में है उसको अपर लिमिट बोलेंगे। तो देखिए क्या पूछा गया है, अपर लिमिट पूछा गया है, वो भी कौन से क्लास का, थर्ड क्लास का। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल, सेकेंड क्लास इंटरवल, थर्ड क्लास इंटरवल, इस थर्ड क्लास इंटरवल में अपर क्लास यानी 40। तो यहाँ पे देखिए आंसर आ गया 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क हमें बताना है। तो हमें किसका क्लास मार्क बताना है, थर्ड का। तो इन दोनों का क्लास मार्क क्या होगा, थर्ड। ये देखिए ये है क्लास मार्क इनका, ठीक है, क्लास इंटरवल भी है, इन दोनों के बीच की वैल्यू भी होती है क्लास मार्क। तो देखिए क्लास मार्क क्या हो गया, इन दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो बीच की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो देखिए थर्ड थर्ड क्लास इंटरवल कौन सा, ये है, ठीक है। तो इसका क्लास हमें मार्क निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 प्लस 40 हो गया 70, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 35। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 35। उसी तरह हमें किसका निकालना था, फोर्थ का क्लास मार्क निकालना था। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये रहा फोर्थ, इसका हम लोग क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क मतलब मिडिल वैल्यू। तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो लोअर लिमिट है 40, अपर लिमिट है 50, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45, यानी इन दोनों का क्लास मार्क कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लास मार्क थर्ड का है वो आंसर आएगा 35 और फोर्थ का आंसर आ जाएगा 45। ये यहाँ पर बताया गया कि क्लास मार्क किसके अंदर हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर ये यह बताया गया थर्ड नंबर का क्लास मार्क चेक करना है, ये रहा थर्ड और ये रहा फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 35 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 45, ठीक है। लास्ट देखिए क्या पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसका, कि विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम रेनफॉल, मतलब कौन से ऐसे क्लास में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुआ। तो ये देखिए पहला वाला जो क्लास इंटरवल था उसमें 12 फ्रिक्वेंसी आ रही है यानी इतने बारिश हुआ है, ठीक है। सेकेंड वाले में 9 8 10 और 1 यानी सबसे ज़्यादा बारिश कौन से क्लास इंटरवल में हुआ है, 10 से लेकर 20, ठीक है। तो 10 से लेकर 20 जो हमारा क्लास इंटरवल था जिसमें मैक्सिमम रेनफॉल हुआ है।
इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारा एक्सरसाइज 19A भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करो, और किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 और 4, तो आप 2 भी 3 आराम से कर लोगे, क्योंकि उसमें सारे में क्लास मार्क, मैक्सिमम वेट है ना, यही हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। लोअर लिमिट है ना, अभी मैंने लोअर लिमिट भी बता दिया, क्लास साइज भी बता दिया है ना, क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, क्लास साइज मतलब दोनों का डिफरेंस, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का दोनों का डिफरेंस, ठीक है। लोअर लिमिट क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, और अपर लिमिट क्या होगा, जो राइट हैंड साइड होगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 19A सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।